नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ फैक्ट्स जिससे आप गारंटेड करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, टॉप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 20 साल में इन्वेस्टर्स को दिया है 20% प्लस का रिटर्न। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जिसकी GDP ग्रोथ रेट है 7 से 8% के बीच में, जिससे अगले 2 दशक में इंडिया बन जाएगा एक विकसित देश। इंडिया में ऐसी GDP ग्रोथ से कॉरपोरेट अर्निंग ग्रोथ भी ऑन एन एवरेज रहेगी 20 से 25% के बीच में। आने वाले समय में बैंक इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे और विकसित देशों की तरह 3% के आसपास कंसोलिडेट करेंगे। हर 10 साल के बाद इकोनॉमिक बेस चेंज होता है, महंगाई बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में इक्विटीज़ हैं बेस्ट एसेट क्लास। यहां तक कि गवर्नमेंट भी EPF, PPF, NPS, LIC को प्रोत्साहित कर रही है इक्विटीज़ में पैसा लगाकर पब्लिक के लिए बेहतर रिटर्न लाने के लिए। इसलिए म्यूचुअल फंड से ही रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं वेल्थ क्रिएट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा रन किया जाने वाला ट्रस्ट है जिसे SEBI रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स के क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स इकट्ठे किए गए पैसे को टॉप ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाते हैं और इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को SEBI रेगुलेट करती है और ये सेफ होते हैं, और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा हमेशा टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस की डाइवर्सिफाइड फंड स्कीम्स में ही लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज और उनकी टॉप स्कीम्स के बारे में। नंबर वन है ICICI म्यूचुअल फंड, जिसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2,60,000 करोड़ के आसपास। 20 ईयर्स का रिटर्न है 20% प्लस। और जो इस फंड की टॉप डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप स्कीम्स हैं वो है ICICI प्रू फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी ग्रोथ और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ। और इसकी टॉप डाइवर्सिफाइड मिड कैप स्कीम में है ICICI प्रू मिड कैप फंड ग्रोथ। इसी तरह हमने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनीज की 2 टॉप डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप स्कीम्स और 1 डाइवर्सिफाइड स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स को चुना है। आप इनमें से कोई 1, 2 या 3 स्कीम्स को चुन सकते हो। ये फंड्स हैं HDFC म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, कोटेक म्यूचुअल फंड और एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड। ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स और स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं और इनका रिटर्न कुछ बेसिस पॉइंट से ही वेरी करता है। आइए जानते हैं उस नए म्यूचुअल फंड फार्मूले के बारे में जो आपको गारंटेड करोड़पति बना सकता है। सबसे पहले, अगर आपने अभी कोई म्यूचुअल फंड नहीं लिया है तो आप किसी भी टॉप म्यूचुअल फंड हाउस जैसे ICICI, HDFC, स्टेट बैंक, कोटक या एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके आप शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद आप 2 या 3 लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 1 स्मॉल एंड मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड स्कीम का कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें सिप शुरू कर सकते हो। लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड में आप ₹3,000 तक का सिप चलाइए और मिड कैप और स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड में ₹1,000 तक का सिप चलाइए। केवल ₹4,000 पर मंथ 20 साल तक आपको बना देंगे करोड़पति और आपके पास इकट्ठा हो जाएगा 1,25,00,000 से भी ज़्यादा का पैसा। लगभग सारे रिप्यूटेड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को दिया है 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न। इसलिए आप स्कीम्स को एनालाइज करने और सिलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ₹4,000 पर मंथ 20 साल के लिए 20% रिटर्न पर आपको निश्चित रूप से करोड़पति बना देंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आपको ₹3,000 का सिप लगाना है डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप स्कीम में। इसके लिए आप 1, 2 या 3 स्कीम का कॉम्बिनेशन भी चुन सकते हो। और दूसरा ₹1,000 का सिप लगाना है डाइवर्सिफाइड मिड कैप स्कीम में। और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपके द्वारा इन्वेस्ट ₹9,60,000 बन जाएंगे लगभग ₹1,26,00,000। इस सब के लिए आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सिप के पैसे को 20 साल में कभी भी निकालना नहीं है और ना ही सिप को स्टॉप करना है। आपको स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से पैनिक नहीं होना है। मार्केट का बियर फेस और बुल रन इसका एक पार्ट है। स्टॉक मार्केट में रिसेशन भी आता है, बुल रन भी आता है, पर मार्केट कभी रुकती नहीं है और आपको भी कभी रुकना नहीं है।
ज़्यादा कंपैरिजन और एनालिसिस में मत फंसिए, क्योंकि टॉप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कुछ कुछ बेसिस पॉइंट से ही वेरी करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ख़रीदने के लिए डिले भी नहीं करना है। कंफ्यूजन जैसे कि कौन सा फ़ंड कौन सी स्कीम लें, कौन सा फ़ंड मैक्सिमम रिटर्न देगा, टॉप रेटेड फ़ंड कौन सा है, बाय कैसे करना है, ट्रैक करने के लिए समय नहीं है, मैं अपनी हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहता और मुझे सेफ़ जगह RD और FD में ही पैसा लगाना है, KYC और डॉक्यूमेंट साइन करने का टाइम नहीं है, फिर कभी स्टार्ट कर लेंगे, मेरे पास सिप के लिए स्पेयर मनी नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं कि आपको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है वेल्थ क्रिएशन करने के बाद। जब आप एक डाइवर्सिफाइड फंड चुनते हो तो आपको इसका कोई रिस्क नहीं होता कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 18 साल की एज में ही शुरू करते हो तो आप जब 38 ईयर्स के हो जाओगे तो आपके पास होंगे 1 करोड़ से भी ज़्यादा के पैसे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जिससे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो या आप कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगर आप 40 साल के हो तो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लोगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को परचेज करने का तरीका बड़ा ही सिंपल और आसान है। आपको एक बार अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाना है म्यूचुअल फंड KYC CKYC फटका आदि फॉर्म साइन करने के लिए। आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना ना भूलें। कुछ कंपनीज ने EKYC शुरू कर दिया है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपको अपनी चुनी हुई सिप के लिए स्कीम्स को उनको बताना है और इसके बाद आपका वेल्थ क्रिएशन का डोर ओपन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।